ये आठवें लक्षण में कहा था एतेन निरस्तम यस्याम समिति इत्यादि पूर्वोक्तेपि न दोषः। समिति इति सती सप्तमी भासमात्र जो व्यवहार योग्यतम तच्च सति कारणांतरे व्यवहार अवश्यम भाव इत्येतदपि निरस्तम। पूर्व पक्ष ने अपने ओर से समाधानों को दिया था आठवें लक्षण में कि लेकिन उन दोषों का निवारण अपने आप हम लोगों ने दिखा दी, मैंने कारणांतर के बिना नहीं होता व्यवहार। और यह भी बता दिया था भाषमात्र मतलब होता है वर्तमान काल ज्ञान विषयत्वम या प्रकाश विषयत्वम, तो विषयत्व लक्षण में विषयत्व का आने से आत्माचल दोष भी हो जाता है। ये दोनों दोष हम पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए आचार्य शारदनाथ का कथन जो था यश्यांशि और तो वास्ते सब विषय यह लक्षण में खंडित हो जाता है। उन्होंने ये दिखाया तो सत्य सत्य मान लूँगा मैं, औपश्लेषिक विशेषत्व नहीं मानूंगा और व्यापक सत्य में नहीं मानूंगा, औपश्लेषिक मान लूंगा। और एक औपश्लेषिक मैंने संबंध सामीप्य संबंध को लेकर के है ज्ञान और विषय के साथ में। और भाषमान तो अर्थकार तो व्यवहार योग्यतम कह दिया था, लेकिन व्यवहार योग्यतम यह सीधा लक्षण आपको बने नहीं कि भाष शब्द का अर्थ ही नहीं है व्यवहार योग्यतम में, तो भाषमानत्म क्यों बोल रहे हो फिर? व्यवहारीय मानत्म बोलो, व्यवहार योग्यतम अर्थ करना है आपको व्यवहारीय मान से प्रयोग करना चाहिए। भाषमान बोल रहे हो अर्थ उल्टा कुछ कर रहे हो, ये तो होगा नहीं ऐसे काम। वहाँ भाष का अर्थ तो कुछ आना चाहिए, धात्वर्थ तो है ही नहीं, लोग धात्वर्थ ने भंग कर डाला, ऐसा नहीं हो सकता। और अतीत अनागत विषयों का ज्ञान से बचने के लिए इष्ट ही था, फिर भी वहाँ पर आपने योग्यता शब्द जोड़ दिया, नहीं तो मान शब्द कर लेंगे तो अतीत अनागत विषय में लक्षण नहीं जाएगा आपका। इसलिए ना भाष अर्थ के लिए आपने ना सनज का अर्थ लिया आपने, वो कुछ और ही अर्थ कर दिए, ये तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक अर्थ हो जाता है, अनुचित अर्थ हो जाता है। लक्षण घटक शब्दों की स्तर से पदकृत व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसा किसी भी दार्शनिक सिद्धांत में ऐसा नियम नहीं है। कहो कुछ शब्दावली प्रयोग कर दो, कुछ का कुछ और कह दो, मेरा ये भाव है, ये पदकृत लक्षणों में तो कम से कम नहीं हो सकता, भाग्य में कर सकते हो, लक्षण वाक्य में इस तरह से व्याख्या ये अस्वीकार्य है। इसके अलावा यदि भाषमार्थ का अर्थ किंचित लेकर चलोगे प्रकाश विषयत्म अर्थ आना ही है उसमें, गौण अर्थ कर लें वर्तमान अर्थ हमको अपेक्षित नहीं है ये कह दो, ये निष्ठ नहीं है वर्तमान अर्थ तो, अतीत अनागत को लेने के लिए तो प्रकाश विषयत्व अर्थ तो आप त्याग नहीं सकोगे, तो आत्माशर्दों से तुम कैसे बचोगे बताओ, ये भी नहीं हो सकता। अतएव आठवां लक्षण आपके बिल्कुल ही अनुचित है। और कारणांतर सापेक्ष क्योंकि व्यवहार योग्यत्व अर्थ भी लिया जाए, तात्पर्य अर्थ भी लिया जाए, तो ये सहकारी कारणांतर के होने पर ही व्यवहार होता है। कोई भी व्यवहार का सहकारी कारण निरपेक्ष होता ही नहीं है, आप ये कह नहीं सकते, इसलिए इस बात को कारण निरपेक्ष हो रहा है, कारणांतर सापेक्षी व्यवहार होता है हमेशा। अतएव कारणांतर सहकारी के होने पर व्यवहार का अवश्यम भावित होने के कारण से यहाँ पर आपने जो दोष दिया वो भी दूर होगा, क्योंकि जो है हम उसको मानते हैं सहकार कारण के बिना होता ही नहीं व्यवहार। और लोग में भी देखा गया, कोई व्यवहार हम करते हैं भाई, हम गमन कर रहे हैं, गमन भाई ठीक है, अपना पैर से हम चल रहे हैं, रोड तो चाहिए हैं, सामने दीवार नहीं चाहिए, तो चलोगे किसार पर, प्रतिबंधकों के अभाव मानना ही पड़ेगा आपको भी सहकार कारणांतर। और गमनात्मक क्रिया है तो भाई किसी आधार पर तो चलोगे, आधार में भी सहकार कारण हो गया, हवा तो नहीं चल रहा, हवाई मुझे चलो तो हम कहेंगे हवाई तुम्हारा आधार बन गया, वही सहकार्य कारण है हवा, तो कहाँ बचोगे। इसीलिए सहकार कारण के अभाव में कोई कार्य हो ये असंभव है, व्यवहार हो या असंभव है, और आत्मशल दोष तो है ही, इसलिए कहते इतने नहीं हो निरस्तम, अलग से और दोषों को बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। और नौवें लक्षण का परिष्कार करने का प्रयास करता है, तीन आठ और नौ इन तीन पर उसने जोर दिया दोबारा उठा करके, तीसरे का भी खंडन हो गया विस्तार रूपेण, आठवें का भी संक्षेप में हो गया। और नौवें में कहता है, देखिए पूर्व पक्षी पहले कहेगा अपने पास सफाई देगा, नौवें लक्षण में काफ़ी बोलेगा वो, 301 से 303 तक पूर्व पक्ष पहले विस्तारपण अपनी बात एक देशी का काट करते हुए कहते जाएगा। ननु यह संबंधांतर मन अपेक्ष ये ज्ञान अवच्छेद को ये ज्ञान अनवच्छिन्न स्वभावश्च स तस्य विषय हो, ये थोड़ा और जोड़ के बोल रहा, लक्षण इतना ही था, यह संबंधांतर मन अपेक्ष ये ज्ञान अनवच्छेद को आगे अब जोड़ा है इसने, ये ज्ञान अनवच्छिन्न स्वभाव, ज्ञान अनवच्छिन्न स्वभाव ही होना चाहिए उसको, संबंधांतर के बिना ज्ञान का अवच्छेदक हो
और स्वयं कभी ज्ञान से अवच्छिन्न न हो उसका नाम विषय माने घट का ज्ञान है। ज्ञान का अवच्छेद हो रहा है और संबंधांत सापेक्ष नहीं है, कैसे सिद्ध करेगा घट ज्ञान। और कभी ज्ञान का घट होता है क्या, माने घट को आप ज्ञान से अवच्छिन्न करते हो क्या, कभी नहीं होता। ज्ञान से अनवच्छिन्न होना चाहिए। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान लेंगे वहाँ तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का अवच्छेद हो जाए तो अवच्छिन्न भी हो जाएगा। ये ज्ञान, यह ज्ञान पहला जो ज्ञान है वो दूसरे ज्ञान का अवच्छेद हो गया, अर्थात दूसरा ज्ञान ज्ञान अवच्छिन्न हो जाएगा, ज्ञान अनवच्छिन्न नहीं रहेगा। से ज्ञानादि में अत्यप्ति दूर हो जाता है और केवल विषय में लक्षण चला जाएगा। आपके दोषों के आधार पर उसने एक और तीसरा जोड़ करके परिष्कार करके समाधान देना चाहता है नवे लक्षण में। स तस्य विषयः, वह वही उस ज्ञान का विषय होगा, इस प्रकार से लक्षण कर दिया उसने। तब सिद्धांत एक देश ने जवाब दिया, फिर तो यद्यपि आत्मा स्वविषय ज्ञान समवायवान, यद्यपि आत्मा कैसा है, स्वविषय ज्ञान समवाय वाला होता है, स्व को विषय करने वाला ज्ञान का समवाय संबंध से ही होता, संबंधांतर के बिना नहीं है, संबंधांतर से ही है ना। आपको मान लो आत्मज्ञान हुआ, आप क्या कहेंगे, मेरे को आत्मज्ञान हुआ, मैंने आत्मा क्या है, वहाँ आत्मा का ज्ञान, जैसे घटक ज्ञान हुआ तो घट का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हुआ, ये जब कहेंगे आत्मा विषय हो गया ना। लेकिन वो संबंधांतर के बिना हो रहा है क्या, समवाय संबंध होता है वहाँ, कि ज्ञान और आत्मा के पीछे समवाय संबंध की कोई संबंध हो नहीं सकता। घटादि को लेने से विषयता संबंध बोल नहीं सकोगे, इसीलिए वहाँ स्व माने आत्मा विषय है जिसका ऐसे ज्ञान और समवाय वाला वह आत्मा हो जाता है, स्व विषय ज्ञान समवाय वाला आत्मा है। यद्यपि ऐसा है माने आत्मा और ज्ञान में विषयता संबंध से अतिरिक्त समवाय का भी अपेक्षा है, इसलिए आपका लक्षण अव्याप्त हो गया, संबंधांतरण विशेषण बेकार हो गया। आपने संबंधांतर पर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यह संबंधांतर अपेक्षा है, यहाँ पे समवाय की अपेक्षा। तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा मत कहो, तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेद समवाय अपेक्षा, तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेद समवाय अपेक्षा, ज्ञान को अवच्छिन्न करने के लिए आत्मा को समय की अपेक्षा नहीं है। आत्मा का ज्ञान, किसका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ऐसे कहने के लिए समय की अपेक्षा नहीं है। आत्मा में ज्ञान का प्रत्यक्ष या अनुभव करने के लिए समय की अपेक्षा जरूर है। इन आत्मा का ज्ञान, जैसे घट का ज्ञान कहता हूँ, वहाँ भी ज्ञान तो आत्मा ही हो रहा है ना। इन घट का ज्ञान कहने में क्या समय की अपेक्षा है, घट ज्ञान वाला कहूँगा तो आत्मा आ जाएगा, उसमें समय की अपेक्षा होती है। घट और ज्ञान के बीच में समय की अपेक्षा नहीं है, इसे आत्मा और ज्ञान के बीच में समय की अपेक्षा नहीं है। आत्मा का ज्ञान कहने में आत्मविषय ज्ञान है, किसको हुआ, कहाँ हुआ, तब अधिकरण में जाओगे तब खुद में हुआ, समवाय संबंध अन्य में हुआ तो भी समवाय संबंध कहना पड़ेगा। कुत्र प्रश्न के लिए आप समय की अपेक्षा होती है, कस्य ज्ञानम पहले जरूरत नहीं है। बुद्धि में देखिए उसके पूर्व पक्ष बहुत जबरदस्त बोल रहा है यहाँ, भले आप प्रश्न क्या डाल रहे हैं, कस्य ज्ञानम किसके लिए समय की अपेक्षा है क्या पूछता है, कुत्र ज्ञानम इसके लिए समय की अपेक्षा है क्या, किसमें अपेक्षा है, कुत्र में जरूरत पड़ती है, कम पूछ किसको रहे हैं, कस्य ज्ञान, ज्ञान से विषय की चर्चा हो रही है, ज्ञान का विषय का लक्षण कर रहा हूँ, कस्य ज्ञानम अमुक विषय से ज्ञानम, ये बोलोगे वहाँ समय की अपेक्षा तो नहीं है ना। आत्मज्ञान में भी अव्याप्ति दोष नहीं हो सकता, वो भी संबंधांतर निरपेक्ष ही है, ये कहता है। न तसे ज्ञान अवच्छेद समय, ज्ञान को अवच्छेद करने के लिए आत्मा को समय की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान असमवायिनोपि, क्योंकि आप देख लीजिए कि ज्ञान में असमवायी, ज्ञान के साथ समवाय संबंध की संबंधी मैंने समवायी नहीं है, ऐसे घट विषय बन रहा कि नहीं बन रहा, कैसे ज्ञानम घट से ज्ञानम घटक ज्ञानम, वहाँ कहाँ समवाय की अपेक्षा है, चाहे कैसे ज्ञानम आत्मनो ज्ञानम आत्मज्ञानम, वहाँ कहाँ से आगे समवाय, ज्ञान असमवायिनोपि घटादि है तत्वच्छेदकत्व दर्शनात्, ज्ञान की जो असमवाय भूत जो घटादि है वे भी वहाँ क्या है, विषय होता हुआ देखा गया है, अवच्छेद माने ज्ञान का अवच्छेदक होता हुआ देखा गया, घट भी ज्ञान का अवच्छेदक है, आकाश आदि विज्ञान जो अतीन्द्रिय वस्तुओं का विज्ञान होता है, कैसे ज्ञानम आकाश से ज्ञानम, केन प्राप्तम बात अलग चीज़ है, फिर अनुमान से प्राप्तम व
प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ, इंद्रिय से प्रत्यक्ष, अब अनुमान है, उपमान है, वो अलग बात। इस विषय के ज्ञान को कहाँ से हुआ, कैसे हुआ पूछूंगा, वो बात अलग चीज है। हमने इतना किसका ज्ञान हुआ, आकाश का ज्ञान हुआ, भले अतीन्द्रिय है, उसके अनुमान क्या है, गुरुत्व ज्ञान हो गया, कह सकते हैं मुझे गुरुत्व ज्ञान है, कैसे वो बात अलग है। गुरुत्व का ज्ञान, गुरुत्व ज्ञानम, यहाँ समय की अपेक्षा नहीं है। ये सुंदर जवाब है इसका। घटाते अवच्छेद घटादियों को जो है तद मैंने ज्ञान का अवच्छेद होता हुआ देखा गया, जो कि ज्ञान के असमवायी है, मैंने ज्ञान के समवायी नहीं है, ज्ञान के साथ उनका समवाय संबंध नहीं है। ऐसे भी वस्तु ज्ञान का विषय होते हुए ज्ञान को अवच्छेदन करता हुआ देखा गया है। तब ये दूसरी हम ज्ञान लेकर दोष देंगे, जो आपने दिया मत समेतम रूप ज्ञानम, यद्यपि च रूप ज्ञानम मत समेतम ध्वस्तम इष्टम इत्यादो रूप ज्ञान विषया अपि आत्म समवाय इच्छा ध्वंसाद्य संबंधांतर मन अपेक्ष ज्ञान अवच्छेद का। यहाँ एक देशी हमारा कहता है, देखिए मत समेतम रूप ज्ञानम, मत समेतम रूप ज्ञानम ध्वस्तम, मत समेतम रूप ज्ञानम इष्टम, ऐसे अलग अलग। इसमें क्या क्या विषय बन रहा है आपका, है तो मुख्य विषय रूप, रूप ज्ञान कहाँ है, मुझमें समेत है बोलोगे तो आत्मा, मैं शब्द से मत शब्द से आत्मा विषय बन गया। समवाय भी समेतम ज्ञान से समवाय विषय बन रहा है। यदि आप इतना ही लेते मत समेतम रूप ज्ञान, यदि मत समेतम रूप ज्ञान ध्वस्तम कहोगे ध्वंस भी विषय बन रहा है। अभी संबंधांतर निरपेक्ष है ना, विषयता संबंधन विषय बन रहे हैं सबके सब, संबंधांतर निरपेक्ष समवाय संयोग आदि अन्य संबंधों की अपेक्षा नहीं होना, केवल विषयता संबंध रहेगा। ज्ञान और विषय विषयता संबंध तो कोई काटेगा नहीं, विषयता विषयता संबंध से भिन्न की बात है। संबंधांतर कौन संबंध अपेक्षित है, विषयता या विषयता, संबंधांतर मैंने इससे भिन्न जो संबंध, उनकी अपेक्षा बिना ज्ञान होना चाहिए। यहाँ है आत्मा का भी इस ज्ञान में विषय बना, संबंधांतर निरपेक्ष होकर के हो रहा है, समवाय भी इस ज्ञान में बन रहा है, संबंधांतर निरपेक्ष होकर के बन रहा है, ध्वंस इच्छा ये सब क्या है रूप ज्ञान के अंदर आए हुए हैं, विषय बनकर छिपे हुए हैं। मुख्य है रूप ज्ञान, मुख्य विषय रूप, ये सब आपके अनुभव के जो आप शब्द बोल रहे हो उसके आधार पर वाक्य से अन्य भी संबंधांतर निरपेक्ष होकर के ही विषय बन गए, उस ज्ञान का अतिव्याप्ति हो गया आपका सब जगह। एक देशी हमारे वेदांती ने कहा मत्स्यतम रूप ज्ञानम ध्वस्तम यमस रूप ज्ञानम इष्टम यमस रूप ज्ञान, इतना ही रखोगे तो भी आत्मा समवाय ध्वंस और इच्छा ये भी सब कैसे हो रहे हैं, संबंधांतर निरपेक्ष होकर के संबंधांतर मान अपेक्ष ज्ञान अवच्छेद का, उस ज्ञान में अवच्छेदक बन रहे हैं। तब दुष्ट आ गया अतिव्याप्ति, कहते न अतिव्याप्ति क्यों, तथापि संवेत इष्यमाण प्रतियोग्य आत्मरूप ज्ञान अवच्छिन्न स्वभाव एव, लेकिन वे जो आत्मा का अवच्छेद जो बन रहे हैं आप भले कह रहे हो संबंधांतर निरपेक्ष है, हम मानते प्रसंबंध निरपेक्ष है, केवल रूप को संबंधांतर की अपेक्षा नहीं, आत्मा को समवाय की अपेक्षा है, समवाय को अनियोगिता प्रतियोगिता की अपेक्षा है, ध्वंस को भी प्रतियोगिता की अपेक्षा है, इच्छा को भी क्या है अपेक्षा है, वहाँ इष्यमाण वस्तु की, इष्यमाण वस्तु की अपेक्षा इसे ना समवाय संवेत इष्यमाण प्रतियोगी, ये तीन आत्मक तीन ही लेना, संवेद शब्दों में मत और समवाय के लिए संवेत का अपेक्षा है, आत्मा तब न विषय बन रहा है जब ज्ञान में ज्ञान से संवेत है, ऐसा निश्चय करेंगे। मत समेतम रूपं ज्ञानम में आत्मा विषय तब बना जब रूप ज्ञान आत्मा में है आपने स्वीकार किया, और समवाय समय से रहना है जानने से संवेतत्व तो समवाय को संवेतों की अपेक्षा होती है, आत्मा ज्ञान रूपी संवेतों की अपेक्षा है समवाय को भी विषय बनने के लिए, अनपेक्षा कहाँ हुआ, यदि आत्मा को समवाय की अपेक्षा विषय होने के लिए, समवाय खुद को संवेतों की अपेक्षा है वहाँ व्यवहार में आने के लिए, ध्वंस को प्रतियोगी विधेया वहाँ प्रवेश करना है, रूप प्रतियोगी विधेया प्रतियोगी, रूप का ज्ञान ध्वस्त हो गया का मतलब क्या, रूप उस ध्वंस का प्रतियोगी, प्रतियोगी विधेया और ध्वंस का विषय बन रहा है, प्रतियोगित्व संबंध न बन रहा है, इसका मतलब संबंधांतर अपेक्षा हो गया। इच्छा भी विषय बनता है तब जब वो इष्यमाण हो जाए रूप, तभी तो इष्टम कहोगे, यदि रूप आपके इष्यमाण नहीं है तो अनिष्ट हो जाएगा। इच्छा इष्टम शब्द जो प्रयोग कर रहे हो वह इच्छा का उस रूप के साथ इष्यमाणत्वेन संबंध है, अतः सभी के सभी क्या है संबंधांतर सापेक्ष हो रहे हैं, इसे इनमें अतिव्याप्ति नहीं है। एक ज्ञान विषय हो रहे हैं मना नहीं कर रहा,
लेकिन संबंधांतर निरपेक्ष विषय इतने लंबे चौड़े वाक्य का ज्ञान में एकमात्र रूप ही है, बाकी सब संबंधांतर सापेक्ष है, उसकी पूछ है। साक्षात परंपरा एन के संबंध में जुड़ रहे हो सब के सब, सब गौण विषय कहे जाएंगे उनको, उन्हें विषय का लक्षण नहीं किया तो कोई दोष नहीं है, और गया तो उसको गया कह रहे थे और नहीं किया क्योंकि संबंधांतर सापेक्ष सिद्ध कर दिए, से लक्षण गया भी नहीं, अतिव्याप्ति भी नहीं रहा, और नहीं जाते साक्षात पर तो भी हमें चिंता नहीं क्योंकि हमारा विषय ही नहीं हो। अब भले गौण विषय संज्ञा देते रहो आप, हम तो विषय मानते नहीं उनको, ये कहता है। तथा भी संवेत यष्यमाण प्रत्योग्यात्मक रूप जो ज्ञान अवच्छिन्न स्वभाव, आत्मक रूप ने आत्मक जो रूप ज्ञान के अवच्छिन्न स्वभाव वाले हो गए, संबंध सापेक्ष होकर रूप ज्ञान के अवच्छेदक हो रहे वो, संबंध इच्छादि नाम संबंधी इषमाण आदि अवच्छिन्न स्वभावत्वाद यदि नाति व्याप्ति, कि संबंध हो चाहे इच्छा हो चाहे ध्वंस आदि हो कोई भी चीज़ हो, ये संबंधी इषमाण पदार्थ और प्रतियोगी, इसे आगे आदि जोड़ दिया, संबंध इच्छादि नाम ध्वंस के लिए आदि से, और यहाँ पर संबंधी इषमाण आदि से प्रतियोगी, इनके अवच्छिन्न स्वभावत्व, इनसे अवच्छिन्न होने का इनका स्वभाव है, इसलिए कहीं व्यक्ति व्याप्ति दोष भी नहीं रहा। ज्ञान विशेष तो न ज्ञान अवच्छिन्न स्वभाव, और ज्ञान का विषय जो होता है वो कभी ज्ञानवच्छिन्न स्वभाव नहीं होता, एक घट से अवच्छिन्न ज्ञान जरूर होगा, लेकिन ज्ञान से अवच्छिन्न घट हो, कैसे ज्ञानम पूछा आपने घट से ज्ञानम, घट का ज्ञान कह दिया, वहाँ तो ठीक है, लेकिन आप और कोई प्रश्न डाल सकते विपरीत पकड़ने के लिए, घट से ज्ञानम ये तो ठीक है, ज्ञान से घट ऐसे कब बोलेंगे, यदि कोई पूछता है अस्य ज्ञानस्य को विषय, ये प्रश्न यदि कोई डालेगा तब आप कहेंगे अस्य ज्ञानस्य घटो विषय भवति, लेकिन वहाँ पर ज्ञान और घट, ज्ञान से अवच्छिन्न घट नहीं हो रहा है वहाँ पर, उस वाक्यावली से ज्ञान अवच्छेदक नहीं बना घट का, जैसे घट ज्ञान का अवच्छेदक हो रहा है, बस ज्ञान जो घट का अवच्छेदक कभी नहीं होता, भले शब्दावली हमारे प्रश्न भी ऐसे होता है कि भाई अस्य ज्ञान से को विषय पूछता हूँ, आप क्या अस्य ज्ञान से घटो विषय बोल देते हैं, ऐसे कहने से घट ज्ञान से अवच्छिन्न हो गया ये अर्थ नहीं होता किसी के भी मत, कि विषय पर निर्भर ना कि अवच्छेदक किसको मानने के पीछे, अवच्छेद्य का अन्यत्र समान को लेकर व्याप्ति दिखाना, अतिव्याप्ति दिखाना पड़ेगा ना, क्या व्याप्ति दिखानी पड़ेगी, व्यावर्तन करना है आपने, अवच्छेद करेगा क्या, व्यावर्तन काम है, हम ज्ञान को घट से अवच्छेद इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञान में कभी घट विषय होता है, कभी पट विषय होता है, कभी मट विषय होता है, से व्यावर्तन करने योग्य है ज्ञान, अच्छा ज्ञान का अवच्छेद घटादि हो जाए, लेकिन घट भी व्यावर्तन के योग्य के ज्ञान से नहीं, क्योंकि घट के व्यावर्तन करने के लिए आपने क्या प्रयोग किया है, घटत्व जातियाँ हैं उनसे व्यावर्तन हो जाएगा, ऐसे घट ज्ञान से घट को व्यावर्तन करने की जरूरत नहीं है, इन घट को व्यावर्तन घटा दिए का विषय भेद की जरूरत है, कि सर्वत्र एक घट ज्ञान अनुसूत हमें अनुभव हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान ज्ञान एक अनुसूत दिख रहा है, घटपट व्यावर्त जो है व्यभिचार हो रहे हैं, इसे इनको उसका अवच्छेदक माना जाएगा, अब विपरीत कोई तर्क दे सकता है, ज्ञान के विषय घट है, ज्ञान के विषय पट है, ज्ञान के विषय मठ, ऐसे बोलूंगा तो तब भी हम कहेंगे अरे मूर्ख ज्ञानी तो अवच्छेदक बन रहा है सर्वत्र, अवच्छेद वही रह गया ना, भेद कहाँ आया घटपट पट में, ज्ञान से तो एक ही रहा ना, अरे ज्ञान से घटा ज्ञान से पटा ज्ञान से मठा बोलोगे तब भी ज्ञानी तो एक अनुस्यूत है, घटपट पट में तो विचार है, तब वो तिगड़म लगाने वाले तिगड़ी भी बुद्धि जो होते हैं टेढ़ी बुद्धि वाले वो कह सकते हैं नहीं हम ऐसे करते, ज्ञान से विषय घट स्मृति है विषय घट अनुमितिर विषय घट, अब यह कहीं सामान्य ज्ञान शत्र हो गया, कहीं अनुमिति हो गया, कहीं परमिति हो गया, कहीं कुछ प्रयोग हो रहा अनुमित उपमिति हो रहा, कहीं हम अर्थापत्ति का विषय घट बोलेंगे तो घट एक अनुस्यूत हो जाएगा, ये तो हम तर्क तब देंगे, तुम अनुमिति जो करो ज्ञान का ही भेद है, स्मृति करो भी ज्ञान का ही तो भेद है, यहाँ भी ज्ञान अनुसूत हो भी घट अनुसूत है, ज्ञान घट दोनों अनुसूत हो रहे हैं, कहीं कहीं भी विचार नहीं है, कहीं ज्ञान विशेष का नाम लेने से अज्ञान थोड़ा हो जाए, ज्ञान भिन्न हो जाएगा क्या, आपने अनुमिति ज्ञान नाम तो अनुमिति ज्ञान तो कहोगे, अनुमिति विषय घटा बोलेगा तत्व अनुमिति ज्ञान विषय घटा तो ज्ञान तो आ ही जाएगा, तो ज्ञान तब भी अनुसूत है, ये चाल नहीं चल सकता कोई, इसे पूर्व पक्षी का कहना है बिल्कुल सही, आज पर जवाब दे रहे पूर्व पक्षी, घट का ही अवच्छेदन जो है आप ज्ञान से करें ये नहीं हो सकता, इन घट हमेशा ज्ञान का अधिक विवेचन करें, कि ज्ञान और इच्छा भिन्न है, घट से ज्ञानम घट से इच्छा घट से स्मृति, आप घट एक व्यक्ति कह रहे हो
घट का ज्ञान, वह ज्ञान भिन्न इच्छा भिन्न है। ज्ञान को अवच्छेद किया घट ने, फिर इच्छा को अवच्छेद किया घट ने, स्मृति को अवच्छेद किया घट ने, इन्हें घट आने से होते ज्ञान और इच्छा भिन्न हो गया, व्यभिचार हो रहा है ज्ञान और इच्छा में, ऐसा नहीं है। मैं ज्ञान में विचार कहाँ दिखाऊँ हमको पहले, इसलिए कहते ये नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष से जवाब, ज्ञान विशेष तो न ज्ञानावच्छिन्न स्वभाव, जो ज्ञान का जो विषय होता है वो कभी ज्ञानावच्छिन्न स्वभाव वाला नहीं होता। ज्ञान से घटादि अवच्छिन्न स्वभावत्वद घटादि ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्व अदर्शनात्, जैसे ज्ञान जो है घटा से अवच्छिन्न होने के स्वभाव वाला है, किंतु घटादि ज्ञान से अवच्छिन्न होने के स्वभाव वाले कभी नहीं होते। जैसे घट से ज्ञानम इत्यव ज्ञान हो जाएते सदा, न तो कदापि ज्ञान से घट इत्याकार ज्ञानम भवति, कभी ज्ञान से घटा ऐसे ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। स्वग्रह ज्ञान विषय भूतम ज्ञान विषय अनुमित्य अनुवसायादिकम ज्ञानम ज्ञानावच्छिन्न स्वभावम तथापि, तब एक देश का दोष देना यहाँ पर है, अद्वैत वेदांत दोष देता है। देखो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, रूपक ज्ञान हुआ, फिर उस रूपक ज्ञान जो हुआ उसका अनुमिति करें, तो अनुमिति ज्ञान का विषय कौन है वहाँ, रूप ज्ञानम, इदम रूप ज्ञानम मत संवेताम, अनुमान करो ये जो रूप ज्ञान कहाँ है, मुझ में समवाय संबंध से है, अनुभिमान विषयता मनिष्ठ रो गौराज रूपवत, ये अनुमान कर सकते हैं। रूप ज्ञान किस में, आपका नहीं है मुझ में, मैं अनुमान कर लूँ क्यों, अनुभिमान विषय अनुभूयमानत्वात्, जैसे मेरे विद्यमान सफेद रूप है मुझ में समवाय संबंध से रह रहा है। दृष्टान घटाएंगे, मच्छर से शरीर लेंगे, मच्छर निष्ठ रूप लेंगा और मद आत्मनिष्ठ समय लूंगा, पक्ष को हटा देंगे, ऐसे महाविज्ञान प्रमाण का प्रयोग हो जाए, वो भी समय समझा रहते, भी समय समझा रहता है, ज्ञान आत्मा में रहता है, रूप शरीर में रहता है, यह रूप भी अनुभूय मान है स्व शरीर का और उधर ज्ञान भी अनुभूय मान है स्व का। ऐसे अनुमिति के विषय हमने किसको बना दिया, रूप ज्ञान को, रूप ज्ञान विषय हो गया अनुमिति का, फिर अनुमिति का व्यवसाय कर डालो वो भी विषय बन जाएगा आगे, ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान तीसरा ज्ञान, पहला ज्ञान दूसरे ज्ञान का विषय बना, दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान का विषय बन गया, अब ज्ञान भी अगले ज्ञान का अवच्छेदक नहीं बना विषय होने के नाते, से ज्ञान अवच्छिन्न हो गया ज्ञान। आपने कैसे कहा ज्ञान अनवच्छिन्न होना चाहिए विषय, खुद ज्ञान जो विषय हो जाता है वह दूसरे ज्ञान का अवच्छेदक हो जाता है, अच्छा तीसरा जो ज्ञान है वह दूसरे ज्ञान से अवच्छिन्न है, दूसरा ज्ञान जो है वह प्रथम ज्ञान से अवच्छिन्न हो जाएगा, तो सब ये सब ज्ञान हमेशा ज्ञान अवच्छिन्न हो रहे जाएंगे, फिर इनमें आपका लक्षण का व्याप्ति हो जाएगा। ये एक देशी ने ये जवाब कहा, जब पहले घटादि का ज्ञान होता है तत्पश्चात अनुमिति हो गई, अतः पश्चात अनुव्यवसाय हो गए, मान लो घटम घट ज्ञान वाला ज्ञातोमय घटा, इसे पहला ज्ञान दूसरे ज्ञान में विषय हो गया, उसके बाद क्या करना, उसके पश्चात उक्त अनुमिति अनुसाय का ही भी विषय करने वाले तीसरे ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसे अनुमिति ज्ञान वाला मैं हूँ, ऐसे अनुव्यवसाय ज्ञान वाला मैं हूँ, ऐसे और आगे ले लो, व्यवसाय अनुमिति अनुव्यवसाय, व्यवसाय अनुव्यवसाय, इन दोनों का फिर अनुव्यवसाय, ऐसे दृढ़ता के लिए आपने कर दिया, तब क्या होगा, तीसरा ज्ञान दूसरे ज्ञान से अवच्छिन्न, दूसरा ज्ञान पहले ज्ञान से अवच्छिन्न हो गया, और पहले ज्ञान का अवच्छेद घट हो गया, पहले ज्ञान का अवच्छेद घट है, दूसरे ज्ञान का अवच्छेद पहला वाला ज्ञान है, तीसरे ज्ञान का अवच्छेद दूसरा वाला ज्ञान है, अतः तीसरा वाला दूसरा ज्ञान अवच्छिन्न हो गया, दूसरा वाला पहले के ज्ञान अवच्छिन्न हो गया, ज्ञान अनवच्छिन्न तो लक्षण उसमें नहीं गया, आपके लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी। ये एक देश ने जब जवाब दिया, तब पूर्व पक्षी यहाँ पर एक देशी के खिलाफ जवाब देते हुए कहता है कि न ऐसा नहीं कहा, तथापि स्वयं यद ज्ञानम प्रति विषय तद अवच्छिन्न स्वभावम नेति न व्याप्तिर्थि चेत न, यहाँ तो पूर्व पक्ष है, तीसरा व्याप्ति तो दूर कर दिया पूर्व पक्ष ने, कहते ज्ञान से अनुमिति ज्ञान से अनुव्यवसाय तस्वाभिषिक तृतीय ज्ञान के अवच्छेदक भी है, अनुमिति ज्ञानम अनुव्यवसाय से ज्ञानम ऐसा जब हो जाता है तब, तो अनुमिति और अवसर आदि में ज्ञान अवच्छिन्न तो लक्षणान से व्यक्ति दोष हो जाएगा, जो पूर्व पक्ष जब कहा तो सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता, सिद्धांत नहीं है पूर्व पक्ष जो अपने द्वैत सिद्धांत वो कह रहा है, वो कहता है भाई अनुमिति और अनुव्यवसाय स्वयं जिस ज्ञान के अवच्छेदक हैं, अनुमिति और व्यवसाय जो बीच वाला दूसरे नंबर वाला ज्ञान जो हमने कहा था, और जिस तीसरे ज्ञान का अवच्छेदक तुम कह रहे हो वास्तव उसके अवच्छेदक नहीं है, रूपक ज्ञान छोड़ के क्या तीसरा ज्ञान हो पाएगा, अरे रूपक ज्ञान निरपेक्ष होकर के यदि दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान का अवच्छेद होता मैं मान भी लेता, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पहले ज्ञान का अपने अनुमिति की है और अनुमिति क्या किया उसी विषय को लेकर के तो किया ना, कि विषय भिन्न हो गया,
विषय भिन्न होना था, होता तो फिर दूसरा ज्ञान होता ही नहीं, वही को पहला ज्ञान कहते हैं। परत में निमार आपने कर दिया, ठीक प्रथम ज्ञान है वो अनुमिति, द्वितीय ज्ञान तो नहीं कहा जाएगा ना। यहाँ क्या हुआ, पहले रूपक ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, उस प्रत्यक्ष पर ही आप अनुमिति कर गया और स्पष्ट कर लेना चाह रहे हो, तब उस अनुमिति का विषय कौन है? रूपक ज्ञान जब कह रहे हो कि निर्विषय ज्ञान है कि सविषय ज्ञान है, वो रूपक ज्ञान ही तो है, वही रूप को विषय करके ताश रूप को ही उस ज्ञान में विषय बनाकर अनुमिति किया, और वह अनुमिति को विषय जब बनाया आपने तीसरे ज्ञान में, वहाँ भी तो रूप ही तो विषय है, उसी को पक्का कर रहे हो कि किसी और चीज़ बदल गई? अवच्छेद कहाँ बदल गया? इसे सभी ज्ञानों का हम अवच्छेद एक ही मानते हैं, वह घट को और दूसरी चीज़ में, हम तो चौथी में जा पाँचवीं में जा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करते रहो अपनी। जब तक विषय में परिवर्तन नहीं आया उसको दूसरा ज्ञान नहीं माना जाएगा, एक विषय अनेक धारा ज्ञान बना भी लेंगे उसका अवच्छेद कम उसी को मानेंगे, भिन्न को नहीं मानेंगे, ज्ञान को नहीं मानेंगे, उचित भी है। तथापि स्वयं यद ज्ञानम प्रति विषय, स्वयं जो मैंने घट ज्ञान के प्रति विषय है, तद अवच्छिन्न स्वभावम, उससे अवच्छिन्न स्वभाव को अंतिम तीसरा ज्ञान भी त्यागता नहीं है, हिन्ना अव्याप्ति, इसे अव्याप्ति दोष नहीं रहेगा, यदि चेत न सिद्धांत के दोष मत कहो। मत समेतम रूप ज्ञानम इति आकार ज्ञान से आत्म समवाय विषयकत्व भाव प्रसंगात, दूसरा दोष देता सिद्धांति, कहता है मत समेतम रूप ज्ञानम इत्यादि ज्ञान से आत्म समवाय विषयकत्व अभाव प्रसंग, फिर आपको कहने पड़े रूप ज्ञान मत समेतम रूप ज्ञानम के विषय के रूप मात्र कह रहे हो आप, कि मत कहने के लिए उसको समवेतत्व और समवाय को कहने के लिए भी समवेतत्व की अपेक्षा है, ये अपेक्षा ज्ञान संबंधांत सापेक्ष हो गया, इसलिए उनमें अत्यवत्य निवृत्त हो गया, ऐसे तुम नहीं कह सकते। क्यों? यदि ऐसा कहोगे फिर मत्स्यतम रूप ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है बोलोगे क्या, समवाय नहीं है बोलोगे क्या? जब है फिर आपको मानना पड़ेगा उसको, उसको भी संबंधांत निरपेक्ष मानना पड़ेगा। कैसे मानोगे? विशेषण का विशेषण उस ज्ञान का विशेषण होता है, विशेषण का विशेषण भी उसी ज्ञान का विषय होता है, भिन्न ज्ञान का विषय नहीं हो जाता वो। सर रूपक ज्ञान का विशेषण मत और समेत जब हो गया, रूपक ज्ञान का विषय ध्वंस हो गया, रूपक ज्ञान का विषय इच्छा हो गई, तो वह रूप का विशेषण बना हुआ है, विशेषण का विशेषण है, इसे वो भी उस ज्ञान का विषय होता है। अनेकों का नियम है विशेषण से विशेषणोपि तद ज्ञान विषय में वह, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा उनके यहाँ। आप कहेंगे कुंडली दंडी देवदत्त, तो क्या कुंडली अलग हो जाएगा देवदत्त कुंडल वाला? ऐसा नहीं होगा ना। देवदत्त का जो दंड विशेषण है, देवदत्त कुंडल विशेषण है, ये सब भी देवदत्त कुंडली देवता अयम, ऐसे ज्ञान का विषय सब हो जाएंगे, नहीं तो अनेक विशेषण से युक्त वाक्य कोई प्रयोग ही नहीं कर पाएगा, एक ही विशेषण प्रयोग करना पड़ेगा, एक ही अवच्छेद को तो ज्ञान क्या मानोगे? तो बाकी साक्षात परंपरा जो भी संबंध अपेक्षा हो भी जाए तो भी उनको विषय तो मानना ही होगा। इसे इनका कहना है कि नियम के अनुसार जो यही समझना होगा, मत समेत रूप ज्ञान में इत्याकार ज्ञान का आत्मा समवाय विषय ही नहीं है, ये कहने की आपत्ति है। अब विषय मानते हो उनको भी संबंध निरपेक्ष मान लो, विशेषण विशेषण को आत्म समवाय से संबंधत्व संबंधीभूत स्वज्ञान अवच्छिन्नत्वात् घट से ज्ञानमिति प्रतीत्या घटावच्छिन्न स्वभावत्व यदा ज्ञान से तथा ज्ञातो घट इति प्रतीत्या घट से भी ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्व इन असंभवाच्च, बल्कि तुम्हारा लक्षण में असंभव दोष भी आप कह रहे थे घट से ज्ञान होता है, ज्ञान से घट नहीं होता, ये तुम्हारा कहना गलत है, तो फिर ज्ञातो घट व्याकरण गलत हो जाएगा। तो ज्ञातो घट व्यवहार कैसे करेंगे आप? ज्ञातो घट कर दिया ज्ञानावच्छिन्नो घट, ज्ञात घट का विशेषण है ना, ज्ञात शब्द क्या है? तो ज्ञान अवच्छेद वाक्य नहीं, वो से ज्ञान अवच्छिन्न घट बोलना ही पड़ेगा, ज्ञान अनवच्छिन्न को विषय नहीं मिलेगा, तुम्हारा लक्षण असंभव दोष दृष्ट हो गया। जब पहले का तो जवाब दे रहे देखो, आत्मसमवाय से संबंधत्व आत्मसमवाय से संबंधी भूत स्व ज्ञान अवच्छिन्नत्वात्, आत्मसमवाय जो स्व संबंधत्व संबंधी भूत होकर के स्वज्ञान से अवच्छिन्न होता है, उसके बिना कभी ज्ञान आत्मा में अनुभव में ही नहीं आ सकता। आपके अनुसार ज्ञान का समवाय संबंध से आत्म उत्पत्ति मानते हो कि नहीं? ये आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो जो भी ज्ञान होगा हमें अनुभव होगा संसार में, क्या उस समवाय के बिना हो जाएगा? ये उत्पन्न ही नहीं होगा समवाय के बिना, तो होना कहाँ से? चाहो ना चाहो
ज्ञान का विषय, हरे ज्ञान का विषय। इसलिए तो प्रभाकर ने क्या कहा, हरे ज्ञान में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अश्रुति प्रतिबोध वितमतम, कौन सा ज्ञान है जिसमें आत्मा विषय नहीं हो रहा है, प्रकाश का तन हो ही रहा है, उसको छोड़ो कौन सी जड़ से प्रकाशन कर लोगे तुम। इसे ऐसे कोई ज्ञान है तुम्हारी प्रकृति के अनुसार में भी आत्मा और समय के छोड़ के कोई ज्ञान हो, बोलो या ना बोलो, मत्स्यवितम बोलो या ना बोलो, घट ज्ञान कह दिया वहाँ भी आत्मा और समय है, पट ज्ञान बोलो वहाँ भी आत्मा और समय है, स्मृति ज्ञान बोलो वहाँ भी आत्मा समय है, प्रतिविज्ञा बोलो वहाँ भी आत्मा समय है। भले आप हर जगह मत्स्यवितम तत्समेतम अस्मत् समेतम अमुक समेतम बोलो ना बोलो, यानी है वह छिपा हुआ, उसको स्पष्ट अभिव्यक्त कर रहे मत संवेदम रूप ज्ञान स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई दोष नहीं। इसलिए अतिव्याप्ति आपका रह जाएगा, उसमें दोष दो है। आत्मसमवायस्य संबंधत्वेन, आत्मसमय क्या है, स्वयं संबंध रूप है, बिना दो समवाय का संबंध हो नहीं सकता। संबंध है, संबंधियों की अपेक्षा रहेगी, उसको संवेदों की अपेक्षा रहेगी। संबंधी कौन है, आत्मज्ञ केवल ज्ञान को संबंधी मान सकते हो कि एक विषय में कभी संबंध होता है, एक अनिष्ट होता है क्या संबंध कि दुष्ट होता है, फिर आपके में जो दुष्ट है आपको मानना ही पड़ेगा, आत्म विषय बने बिना ज्ञान तो होगा ही नहीं। इसे संबंधी भूत स्वज्ञान अवच्छिन्नता, संबंधी भूत स्वनिष्ठ ज्ञान से अवच्छिन्नात्मा होगा ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। सुमने आत्मा ही विषय है ना, आत्मा ही विषय है जिस ज्ञान का, वह ज्ञान अवश्य आत्मावच्छिन्न भी हो जाएगा। संबंधी स्वज्ञान अवच्छिन्नता घट से ज्ञानमिति प्रतीत्या, और घट से इस प्रतीति के आधार पर भी घटावच्छिन्न स्वभावत्म यथा ज्ञान से, इस ज्ञान जिस पर ज्ञान में आपने घटावच्छिन्नता स्वभाव बता दिया, ठीक है हम मानते नहीं, गलत नहीं बोल रहे उसको, लेकिन जो ऊपरी आपने कहा ज्ञानावच्छिन्न घट होता नहीं, ये गलत है तुम्हारा कहना, क्योंकि ज्ञातो घट इति प्रतीत्या कि प्रतीति के आधार पर तो बोल रहे हो घट से ज्ञान ये प्रतीति है, जो घट ज्ञान का अवच्छेद है, हम कहते उसी प्रकार ज्ञातो घट ज्ञातो पट ज्ञातो मट में क्या है, वहाँ भी ज्ञान प्रतीति हो रहा है, उस प्रतीति के हम कहते ज्ञानावच्छिन्न घट ज्ञानावच्छिन्न पट ज्ञानावच्छिन्न मठ मालूम हो रहा है वहाँ। यदि प्रतीति घटस्यापि ज्ञानावच्छिन्न स्वभावत्वेन असंभवाच्च, से तुम्हारा लक्षण असंभव दोषग्रस्त हो गया, अतिव्याप्ति भी रह गई और असंभव भी और एक और दोष जुड़ गया, तुम्हारा लक्षण कैसे ठीक माना जाए, इसलिए नवा लक्षण तुम्हारा निरस्त हो जाता है कहीं।